लास्ट ईयर का जो टॉपर है, वी आर स्ट्रॉन्गली एडिक्टेड टू मोबाइल। इंग्लिश का टेंशन इतना ना ले, मैं 3 दिनों में कवर करता था पूरा फर्स्ट ईयर और 3 दिनों में सेकंड ईयर। आप फिर वो गुरु बता दें कि आप कैसे टॉपर बन गए। ये जो लोगों की कॉन्सेप्ट है, संडे टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। टॉपर ऐसे नहीं बनते। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द एमडी कैट शो। अच्छा, तो आज का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम आज हम पॉडकास्ट नहीं करेंगे, जस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक फॉर्म हमने शेयर किया था आपके साथ, फॉर्म की लिंक शेयर की थी, वो आपने फिल की थी। आपके जो क्वेश्चंस थे वो हम तक पहुँचे हैं, और अभी हमने एक लास्ट ईयर का जो टॉपर है एमडी कैट का, उसको पकड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह आपकी जो क्वेश्चन है वो अभी यही आंसर करेंगे, और फिर आगे उस पर अमल करने का काम आपका है, वो मेरा नहीं है। इनके आंसर आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ इट ओके इफ़ सम डेज आई फील डाउन एंड कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। ये बोल दिया और साथ में फिर ये बोल रहा है कि आई मीन आई एम स्टडिंग फॉर 8 hours बट नॉट अप टू 14 hours। जिस तरह उन्होंने बताया कि सम टाइम्स आई फील डाउन, तो ये तो नॉर्मल है, और फिर ये भी बताया कि मैं 8 घंटे स्टडी करता हूँ, डाउन टाइम में भी 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छा टाइम टेबल आपने बनाया है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा ना कि आपका डाउन टाइम भी चल रहा है, लेकिन आपके पास जो टाइम है उस पर ज़रूर स्टडी करें। मतलब 2 घंटे आपसे स्टडी नहीं हो रही, बस बाहर चली जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर वापस आ जाए, दोबारा स्टडी स्टार्ट करें। लेकिन इस तरह नहीं कि आज पूरा दिन ऑफ ले लेता हूँ फिर कल से दोबारा स्टडी करूँगा, तो इस तरह ना करें। बिल्कुल, और साथ में ये कहूँगा कि 8 घंटे पढ़ रहे हो ये भी काफ़ी है, लेकिन प्रोडक्टिव हो। 14 घंटे बेशक आप ना पढ़े, 8 घंटे ही पढ़े, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़े अपनी कंसंट्रेशन के साथ। ठीक कह रहा हूँ जी। बिल अच्छा जी, नेक्स्ट ये कि एंजिकॉन अकाउंट के साथ फिजिक्स इन सेकंड आईएमएस के एमसीक्यूज वीडियो डिस्कशन देखना कैसा है, वो देख लूँ या जस्ट रिवीजन करूँ? मैंने खुद देखे थे फिजिक्स इन सेकंड्स के एमसीक्यूज डिस्कशन वाले लेक्चर्स, लेकिन इसके साथ मैं एक और पॉइंट भी ऐड करूँ कि सिर्फ फिजिक्स में ना रह जाऊँ ना, मतलब सबको साथ लेकर चलना है। इस तरह कि आप फिजिक्स के लिए इतना टाइम निकालें और बाकी रिवीजन के लिए आपके पास फिर टाइम ना रहे, तो इसको मैनेज करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर टाइम हो तो आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई नीड फिजिक्स प्रैक्टिस बुक अदर देन जीनियस, और या कह रहे हैं कि जीनियस इज इनफ। मैंने वीडियो में बताया कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एंजिकान अकाउंट लिया था और कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ नहीं किया था, तो ये किसी और से पूछ ले। बिल्कुल, चलो इंशाल्लाह किसी और से पूछ के बता देते हैं। मैंने भी नहीं किया हुआ था, मैंने क्लिप से किया हुआ था और साथ में स्टेप्स के टेस्ट वगैरह दिए थे, तो मैं वहाँ तक ही महदूद। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हेनेवर आई कंप्लीट अ चैप्टर आई प्रैक्टिस 50 टू 60 एमसीक्यूज एंड देन अपीयर इन संडे टेस्ट, बट आई फील माय प्रॉब्लम इज नाउ अप टू द मार्क और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम ऑलवेज इन डेप्थ अबाउट इन डेप्थ, मतलब उसके बारे में शक में होता हूँ अबाउट माय स्टडीज। हाउ टू गेन माय कॉन्फिडेंस, शुड आई प्रैक्टिस मोर बट प्रैक्टिसिंग 50-60 एमसीक्यूज। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 50-60 एमसीक्यूज मैं कर रहा हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और साथ ये कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं। कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो टाइम भी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस के बारे में इसको बताएं। आई थिंक ये पॉइंट हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं ना, कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट को प्रैक्टिस टेस्ट के लिए अप्रोच चेंज करना है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। और जिस तरह आपने क्वेश्चन में लिखा भी है कि 50-60 एमसीक्यूज में कर लेता हूँ, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आप एक चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स टच हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि आई हैव प्रॉब्लम इन इंग्लिश, आई फुली अंडरस्टैंड द लेक्चर बट व्हेन इट कम टू प्रैक्टिस आई डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड आई आल्सो वांट टू प्लीज शेयर दैट व्हिच सब्जेक्ट हैज टू सॉल्व फर्स्ट इन द टेस्ट। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मैं पहले इंग्लिश करूँ, फिर लॉजिकल रीजनिंग करूँ, फिर बायो करूँ, फिर केमिस्ट्री करूँ, या कैसे करूँ? आप वो एक सजेस्ट करेंगे किस उस पर जाएँ? जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना कि इंग्लिश के लिए क्या करूं, तो
फ्रेशर को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ना कि इंग्लिश का टेंशन इतना ना ले। अगर आप बहुत ग्रामर भी कवर कर लेते हैं लेकिन टेस्ट में पता नहीं चलता कि एमसीक्यू कहाँ से आएगा, बिल्कुल अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप एक गुड एजुकेटेड गेस्ट के साथ आप एमसीक्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे पहले जो टेस्ट में क्या टेस्ट सॉल्व में करना आपने है? क्या सॉल्व करना है, तो मेरा पैटर्न यही था कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेता, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इस तरह इंग्लिश और लॉजिकल लॉजिकल इंग्लिश रीजनिंग। लेकिन वन गो में मैं इस तरह जाता कि जो सबसे ईजिएस्ट एमसीक्यूज है पहले वो मैं फिल कर लेता, और अगर एक एमसीक्यू है जिसमें मुझे मुश्किल हो रही है तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं बहुत सीधा अच्छा। आगे जाता और जो जो आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेता। इसके बाद जो दोबारा आ जाता फिर जो हार्ड क्वेश्चन थे या न्यूमेरिकल्स वगैरह थे प्रायोरिटी उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और सब ऐसे करते हैं कि बायो से स्टार्ट करनी है थोड़ा इजी है, और ये होता है कि डायरेक्ट टेक होता है, और फिर आप आगे जाते हैं जो मुश्किल है सेकंड थ्रू में कर लें। टाइम फर्स्ट टाइम जाए ना करें, क्योंकि आपने अगर सॉल्व करने लग जाए तो इधर 150 MCQs किए होंगे और इधर 20 मिनट रहते होंगे आपका मकसद ये होना चाहिए ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकाल सके, निकाल इस सके। तरह नहीं। मतलब अगर आप 5 मिनट है आपके पास, एक फिजिक्स का बड़ा न्यूमेरिकल रहता है और वहाँ पर बायोलॉजी के 3 एमसीक्यूज है, तो आप फिजिक्स को छोड़ेंगे वो बायोलॉजी के 3 एमसीक्यूज बिल्कुल करेंगे, तो मैं यही ज्यादा सजेस्ट एमसीक्यूज करूँगा कि करने ज़्यादा होंगे। एमसीक्यूज निकालने होते हैं। ठीक है, वी आर स्ट्रॉन्गली एडिक्टेड टू मोबाइल विदाउट रीजन। कोई रीजन भी नहीं है, एंड वी आर स्क्रॉलिंग इन व्हाट्सएप इन अदर एप्स, इट्स वेस्ट मोस्ट ऑफ आवर टाइम, व्हाट शुड बी डन? ये पॉइंट हम पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह अवॉइड करना है, तो आप वो देख सकते हैं वो वाला पार्ट। ठीक है इंशाल्लाह। चलो अगर अभी इन्होंने बोल लिया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पॉडकास्ट देख ले, और नीचे टाइमलाइन में देख लें ये वाला क्वेश्चन, मैं वो लिख लूँगा कि किस टाइम पर अवेलेबल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम करेक्टली, लाइक इवन व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग, वी आर नॉट एबल टू डू मोर वर्क, वॉच लेक्चर, सी द बुक एंड डू दिस कोर्स टेस्ट, वी डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज अदर देन दैट, सो वी आर नॉट इवन एबल टू फिनिश रिक्वायर्ड चैप्टर्स फॉर द संडे टेस्ट। ये कह रहे क्वेश्चन हैं कि हम काम कर रहे हैं, सुबह से उठ के हम काम कर रहे हैं लेकिन अपने टारगेट को मीट नहीं कर रहे हैं। संडे टेस्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल हम 6 दिन काम कर रहे थे, लेकिन संडे टेस्ट में फिर ज़्यादा चैप्टर होते हैं, वो हमने कवर नहीं किया वो था फिर भी। अच्छा, ये क्वेश्चन की समझ मुझे सही नहीं है, लेकिन मतलब ये कोई कह रहा है या कह रही है कि हम जल्दी उठ भी जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, जी। तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया कि किस इसे तरह कि क्या आप करते जल्दी अगर उठ काम जाए। करते हैं, हाँ काम ही नहीं हो रहा है तो हाँ फिर क्या करते? हाँ तो फिर आप ऐसा करें कि अपने आप को एनालाइज कर रहे कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, और कुछ चीजें आप नहीं किए हैं कि पॉइंट नोट्स बनाते हैं ये करते हैं, तो नोट्स वगैरह छोड़ें, अपना मेन टेक्स्ट बुक ले लें और इसी पर ही एक सा पॉइंट लिख लें। ज्यादा नोट्स वोट्स बनाने का टाइम अभी नहीं है, अगर आपने FAC में किया है तो वेल एंड गुड, अभी हम डिकेड में है कि जो एक सा पॉइंट मिल रहा है अपने बुक के ऊपर लिख लो और आगे जाओ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस के बाद उसकी वीडियो देख लो, डिस्कशन वीडियो देख लो और समझ लो, जो गलती किया है वो नोट कर लो और आगे चले जाओ। आई थिंक सो मैंने हाँ ये आंसर थोड़ा बहुत सही है दे दिया बिल्कुल। है। अच्छा एक कह रहे हैं कि आई हैव डिफिकल्टी इन इंग्लिश। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश वाला। अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन आगे वाला हमने डिस्कस कर लिया, आप वो देख सकते हैं जिसका ये क्वेश्चन है। अच्छा काफ़ी पर्सन ये पूछ रहे हैं कि फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो यूनिट्स वगैरह हैं, ये हमारे जहन में नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो फिर आई डोंट थिंक कि आपसे वो क्वेश्चन गलत होगा। इसके अलावा आप जो एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस है वो भी देखें, अक्सर उससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो मैं काफ़ी यही यूज है। रिकमेंड करूँगा। ठीक, और मैं साथ में ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने खुद ये किया हुआ था कि सारे चैप्टर्स के जो यूनिट्स हो गए और उसके साथ फॉर्मूले सारे हो गए वो मैंने एक पेज पर लिखे हुए हैं, और मैं बार बार उनको देख रहा हूँ, मतलब एक सुबह उठा हूँ तो एक चैप्टर देखे हैं, दूसरा किसी और टाइम दूसरा चैप्टर देखा है, तो वो फॉर्मूले फिर जहन में रह जाते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा। आई थिंक सो ये एक सही बात पॉजिटिव है। अप्रोच है, हाँ बंदे के जहन से बार बार एक चीज़ निकलती है तो वो नज़र से निकलती है बार बार एक चीज़, तो फिर वो याद हो जाती है। और आप वो पेज पर लास्ट डे पर भी देख सकते हैं लास्ट डे ना। पर वो हाँ बड़ा है। अच्छा जी, आई जस्ट डजेंट नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑन एमसीक्यूज।
उसके बारे में अगर आप कुछ बताना तो चाहते इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एमसीक्यूज जो डिस्कशन वाली वीडियोस है वो देखें। हाँ, वो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ फिट हो रहा है। और आप दूसरा, में मुझे ये समझ आ रही है कि आपको फार्मूले सही तरह से नहीं पता, आपने मतलब पूरी तरह आपकी ग्रिप नहीं है, तो आप वो एक पेज वाला सीन बना लें और वहाँ से देख के फिर आप आगे चलें। अच्छा, विच एकेडमी और टीचर इज़ बेस्ट फॉर दोज हु आर फ्रेशर एंड स्टिल इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर? तो अभी ये पता नहीं 3 सालों को मर्ज कर दे क्या हुआ है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या फ्रेश है तो कौन जहाँ से तक मैं ही टीचर। समझा ये पूछ रहे हैं कि अभी एम डी गेट के लिए तैयारी नहीं हो रही, FSC में तो कौन जी, से टीचर्स के पास जाना कहाँ से चाहिए। काम करें? तो मैंने खुद FSC जो है ब्लॉसम कोचिंग एकेडमी से की थी यहाँ स्वात में, स्वात में। और अक्सर पब्लिक हमारी पेशावर में उड़ती है। और इसके अलावा तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, मतलब अलक पांडे का जिक्र मैं कर चुका हूँ, जी, और बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स उसने कर लिया है, और ऑर्गेनिक बिल्कुल केमिस्ट्री तो अलक पांडे सर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिक्स वाला देखें अलक फिजिक्स पांडे। वाला, बिल्कुल अलग पांडे सर बहुत अच्छा करते हैं। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जो भी हो आप काम करें। मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई अकेडमी नहीं की थी, आई वॉज जस्ट, मैं हदफ कॉलेज में था, उन्होंने एक पोर्टल हमें दिया हुआ था, तो उसी पोर्टल से मैं खुद पढ़ लेता था। जो टीचर थे मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे थे वहाँ से। मैंने कहा अकेडमी में क्या करना, फर्स्ट टाइम कॉलेज हो सेकेंड टाइम अकेडमी, जो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बस मैं वहाँ अपने रूम में बैठ के अच्छी तरह से वो पढ़ लेता था। और अगर कोई ये कहना चाहता है कि कौन से टीचर के साथ जाएं, तो ये तो हम नहीं कह सकते। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद जाके एक हाँ क्लास वहाँ पर ले लें, अगर आपको अच्छा लगा वो टीचर तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, वी शुड डू ऑल द टॉपिक्स विच आर इंक्लूड इन एनजीकॉन अकाउंट, और वी शुड टू स्किप डन टॉपिक्स? रियली कंफ्यूज्ड। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लूंगा कि एनजीकॉन अकाउंट में उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस वो टॉपिक्स है वो भी अच्छा कवर किए हैं, तो मैंने तो नहीं देखे वो, मैंने वो स्किप किए थे। ठीक, हाँ, अगर उन्होंने वो दिया हुआ है आपको सिलेबस, तो सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन बनाएंगे, तो डोंट नीड कि आप इधर उधर जाएं, सिलेबस के साथ ही स्टेक रहें। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट के हवाले से, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट या पूरा चलो इस स्केड्यूल क्वेश्चन पर बना। टेस्ट का बता दें कि टेस्ट में कैसे करें ड्यूरिंग द टेस्ट हाँ, डे। जो टेस्ट का मैंने पहले जिक्र कर लिया कि सबसे जो इजी एमसीक्यूज है वो पहले कवर करने हैं, इसके ठीक, बाद जो लेंथी स्टेटमेंट्स है और न्यूमेरिकल्स है फिर वो करने हैं। जी ठीक है, तो आप इसी अप्रोच के साथ जाएं कि आप इजी टू डिफिकल्ट करें। अच्छा, ये कोई पूछ रहे हैं कि प्री मेडिकल के लिए क्या करें, तो मैंने कुछ ख्याल ये डिटेल भी नहीं वो बताया हुआ है क्या? ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया ना कि FSC के लिए कौन सी टीचर सही है, तो तो ये ये उसी उसका का पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक ब्लूपर्स हम कह सकते हैं, एक बंदे ने वो लिखा है कि आई हैव रिक्वेस्ट कि मुझे आप 100 पेपर दे दें कितने दिन पर, तो भाई आपको 25 लाख रुपए देने होंगे। पैंतीस प्री मेडिकल 35, लाख अरे थोड़ा ज्यादा है, 35 लाख ऐसे नहीं होता है। अच्छा, उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ये काम किया हुआ है, हमारा ये काम नहीं है। अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, आई मीन फ्रॉम वेयर वी हैव इंग्लिश प्रैक्टिस, हम कहाँ से इंग्लिश प्रैक्टिस करें, ये पूछ रहे हैं। और साथ ये पूछ रहे हैं कि फिजिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, और इंग्लिश के बारे में अगर आप प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताना चाहें कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। मैंने खुद प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी इंग्लिश के लिए, तो मुझे पता नहीं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। मैं बड़ा हैरान हूँ यार, ये अल्लाह ने इसको टॉपर बना दिया है, आपने मेहनत से टॉपर बन गया, लेकिन ये जो लोगों के कॉन्सेप्ट है संडे टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है। आप फिर वो गुर बता दें कि आप कैसे टॉपर बन गए। यही कहूंगा रिवीजन मैंने बहुत ज्यादा की थी। फिर ठीक है यार, रिवीजन एक साइंस ही कह दिए कि रिवीजन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अच्छा, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड शॉर्ट लिस्टिंग शॉर्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ बायोलॉजी ऑल चैप्टर कॉज इट्स वेस्टिंग अलॉट ऑफ माई टाइम, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते। मैं तो खुद बायोलॉजी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं बनाई थी, जो बुक थे उसमें हाईलाइटर यूज़ किया था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट किया था, और जब रिवीजन करता तो फिर वही हाईलाइटेड पॉइंट्स देखता। अक्सर इस तरह होता है ना कि बंदा कहता है मैं रिवीजन करूँगा,
जब बायो की बुक खोलता है तो उतना वो रंजीन होता है ना ज्यादा पेज, वो सारा बुक दोबारा पढ़ लेता है। तो इस तरह नहीं करना, बल्कि जो पॉइंट हाईलाइट किया है और हाईलाइट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट। करना है, इस तरह नहीं कि आप बस बैठ जाए और इस तरह सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करें। बिल्कुल। अगर अपना बताऊं तो मेरे यही अप्रोच था कि मैंने सारे बुक्स में खुद हाईलाइट किया हुआ था, और मैं पूरे सेंटेंस को हाईलाइट नहीं करता था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हाईलाइट करता था। अगर समझ नहीं आ रही दोबारा रिवीजन में तो पूरा लाइन पर मैं उसके बाद पढ़ लेता था, तो ये काफ़ी क्विक रिवीजन भी हो जाती है। और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो फिर कहीं घूम जाते हैं, कभी क्या सीन है, कभी टाइम लग रहा है, तो अपने बुक के साथ ही स्टिक रहें, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करें, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें नहीं है तो वो साथ में लिख दें, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक जगह हाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होगी, जी एट द बिल्कुल एंड ऑफ द डे आप क्विक रिविजन कर सकेंगे। हाउ टू स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आई थिंक ये पॉइंट पॉडकास्ट में हम जिक्र कर चुके कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो आप वो वाला ठीक हिस्सा है देख सकते हैं। ठीक है जी। रिवीजन में एक दिन में कितना करें, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब फिजिक्स कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, फेडरल बायो देखना ज़रूरी है या नहीं। जो रिवीजन वाला पार्ट है क्वेश्चन का कि एक दिन में कितने चैप्टर रिवीजन करें, तो एक दिन में तो मैं फर्स्ट ईयर का पूरा बुक रिवाइज कर लेता। मतलब मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते टॉपर ऐसे नहीं एक बनते वीक में मैं रिवीजन कर लेता ना, तो जी एक दिन एक मतलब पहले दिन मैंने फर्स्ट ईयर वाला बुक पढ़ा, फिर सेकंड ईयर वाला, इस तरह सारे सब्जेक्ट से मैं इस तरह पढ़ता था। और माशाल्लाह जो दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो इसके लिए वीडियोस देखे और जो एमसीक्यूज डिस्कशन वाले वो वीडियोस है वो भी देखे। और थर्ड क्वेश्चन के फेडरल बायो देखना ज़रूरी है कि नहीं, तो फ्रेशर को मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ अगर आप रिपीटर है तो आप ज़रूर देखे, क्योंकि हमारे ईयर में जो टेस्ट आया था कैम्यू एमडीकैट, वो उसमें फेडरल से क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में। तो अगर फ्रेशर के साथ टाइम है वो भी देख लें, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। कुछ ये होता है कि बंदे ने पढ़ा होता है लेकिन उसको लग रहा होता है कि नहीं ये हमारे कोर्स का नहीं है, तो ये सीन भी कभी कभी हो जाता है। अपना बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ें, अगर टाइम हो तो फेडरल का भी साथ में ऐड कर लें। अच्छा, हाउ टू गेट 14 to 16 मार्क्स इन इंग्लिश, हाउ टू मैनेज एमसीक्यूज प्रैक्टिस विद रिविजन। इंग्लिश का तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप जो नसीर अब्बास साहब वाले लेक्चर देखें तो इंग्लिश का बेसिक से कवर हो जाता है। इसके बाद आप एग्ज़ाम में एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। इंग्लिश का तो मैंने ये सीन किया था। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि गुड मार्क्स इन एनजीकॉन संडे टेस्ट, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एनजीकॉन में मैंने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो ईटा में भी आ आपने जाएंगे लिए है या लेना चाहते हैं? ये भी नहीं क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव माई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाई इजिली फाइंडिंग फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, आल्सो हाउ टू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर इंग्लिश। आई थिंक ये आई थिंक पोर्शन हो सो चुका है। 4-5 हाँ मरतबा ये फिजिक्स और इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वही से देख लें। अच्छा, एक ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल सा लगा है, तो ये थोड़ा आप देख लें कि आई एम डूइंग फॉर्म डी विच समटाइम गिव मी थ्रेटन अबाउट एम डी कैट एंड माई फाइनल एग्जाम इन यूनिवर्सिटी विच वुड बी इन सितंबर, सो काइंडली इफ़ यू हैव फेस सम सेम सिचुएशन और पीपल्स यू नो काइंडली गाइड मी अबाउट दैट। तो ये जहाँ कह रहे हैं कि तक मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ और सितंबर में मेरा उसका भी एग्ज़ाम है, तो अभी क्या और एम डी करूँ, कैट भी है, एम डी कैट भी है और फॉर्म डी भी है। तो आप इस तरह करेंगे दो सवालों में ना जाए ना, मतलब एक पर फोकस हो जाए, या एम डी कैट दे बिल्कुल, दे या फॉर्म डी पर फोकस करें। आई थिंक सो ये फ्रीज वाला कोई सिस्टम होता है कि आप एक सेमेस्टर को फ्रीज कर सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि अपना फॉर्म डी के जो सेमेस्टर है उसको फ्रीज करें, मतलब आप 6 महीने पीछे हो जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप एम डी कैट के लिए डेडिकेटेड हैं और आप अपने आप से इतना उम्मीद है कि आप कर सकते हैं एम डी कैट, तो बिल्कुल आप एक सेमेस्टर को फ्रीज़ कर लें, इसको ट्राई कर लें, एम डी कैट पर अपना 100% दे दें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर अपना फॉर्म हाँ डी का एग्ज़ाम दे और दें। केएमसी में हमारे पास साथ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बीडीएस के साथ एमडी कैट दिया है और अभी केएमसी में एडमिशन भी लिया है। बिल्कुल, मैंने खुद जो लास्ट पॉडकास्ट किया था वो इसी तरह एक फीमेल है हमारी कॉलेज की, जिन्होंने पहले BDS में थी, BDS में उन्होंने टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ MDCAT में भी आई थिंक उन्होंने 185 समथिंग कुछ ऐसे मार्क्स भी लिए हुए थे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर कोई वो करते हैं अपना, मतलब फिर आपने अपनी पोटेंशियल को पुश करना होगा, ज़्यादा काम करना होगा, ये चीज़ फिर है।
हाउ टू रिवाइज अ लॉट ऑफ इंग्लिश रूल्स, इसके बारे में खैर थोड़ा सा बता दें कि इंग्लिश में रूल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उसके बारे में क्या करें, एंड हाउ टू प्रोवाइड एस इम्पोर्टेंट काइंडली प्रोवाइड एस इम्पोर्टेंट बायो पॉइंट्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर कोई लोग ये वो शेयर करते हैं नोट्स की ये देख लें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं तो खुद बुक तक महदूद रहा, बार बार बुक रीड करता था। अक्सर इस तरह हो जाता है ना कि टेस्ट में आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन टेस्ट में आ जाता है कि बुक की स्टेटमेंट ही वहाँ पर लगा रहे थे। तो अगर आपने बुक की बार बार रिविजन की होती है तो फिर आपको ईजी होता है। अच्छा, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इंग्लिश में लॉट ऑफ रूल्स हैं तो उसको कैसे वो करें। मैंने जो नसीर अब्बास से बारी लेक्चर देखे तो मैंने इसको नोट्स बनाए थे, और जब वीक में मैं रिवीजन करता तो एक दिन मैं इंग्लिश के लिए रख देता, उस दिन सारा मैं इंग्लिश रिवाइज कर लेता। ठीक ठीक और ये बस भी आपने टाइम देना है। हाँ, लास्ट डे पर जो टेस्ट से पहले एक दिन था मैं इंग्लिश ज़रूर रिवाइज कर लेता उस दिन। बिल्कुल, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, और हाँ फिजिक्स के फॉर्मूले ये दो चीज़ें थोड़ी सी वॉलेटाइल है। व्हाट वी हैव टू लर्न इन केमिस्ट्री एज इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, आई डोंट थिंक सो ये कहीं आ जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ की कितनी है। नहीं, ये तो न्यूमेरिकल डेटा हो गया ना, तो मैंने बताया कि ये लास्ट डे पे देख ले, जो टेबल्स वगैरह वो लास्ट डे पर टेबल्स देख ले। में ये हाँ सारे गिवन होते हैं, हाँ और जनरली अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट या वगैरह पूछती भी है ना उसमें, लेकिन वो कॉमन से होते हैं, ऐसे कोई खास चीज़ नहीं पूछते कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करे। कॉमन चीज़ें हो गई मॉलिक्यूलर कुछ फोर्सेस पर अरेंज किए होते हैं ना, अगर आपने वो पढ़े होते हैं तो ये। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस कंपाउंड में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो फिर इजी हो जाता है। गेस लग जाता हाँ है। अच्छा, हाउ टू कवर 1 ईयर फुल कोर्स फॉर संडे टेस्ट इन 1 वीक और फुल कोर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एज मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज आर रिकॉल बेस्ड एंड टेकन फ्रॉम बुक इन केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट, सो एट लास्ट नियर द टेस्ट डे शुड बी फोकस मोर ऑन बुक्स रादर देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू कवर फर्स्ट ईयर फुल कोर्स फॉर संडे टेस्ट इन 1 वीक, जी आपने यहाँ पर 1 वीक लिखे हैं। मैं 3 दिनों में कवर करता था पूरा फर्स्ट ईयर, और 3 दिनों में सेकंड ईयर, और बिल्कुल, जो अगला दिन था वो अगर आप अच्छी तरह से पढ़े इंग्लिश के लिए हो होता था। तो फिर हाँ इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एज मोस्ट एमसीक्यूज। रिकॉल, वो कि कह रहे हैं कि रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जो बुक से आते हैं, तो क्या करें, लास्ट डेज में हमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ जाएं या अपने बुक को रिवाइज करें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। तो मैंने पहले भी बताया ना कि अक्सर टेस्ट में इस तरह हो जाता है कि पूरा एक बुक से स्टेटमेंट उठा के वहाँ पर लगा देते हैं कि ये एमसीक्यू है, तो अगर बिल्कुल आपने बार बार रिवीजन की होती है बुक की तो फिर वो इजी हो जहन जाता में है। आ जाता हाँ है। और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो संडे टेस्ट वगैरह ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर चले जाते हैं, आई थिंक सो इतना हाँ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अक्सर जो मेरा अपना बंदा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो टेस्ट वगैरह मेरे सामने से गुजरे हैं तो काफ़ी इधर उधर के थे। आप अगर एनजीकान की टेस्ट को कंपेयर करें एमडीकेट टेस्ट से, जो एमडीकेट टेस्ट बहुत इजी होता है कंपेयर टू एनजीकान। ये भी है। हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सर हाउ आर यू। हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टॉपिक्स अच्छी तरह से कर लेते हैं लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते, स्पेशली इन संडे टेस्ट। हाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं संडे टेस्ट के लिए एमसीक्यूज। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम टॉपिक कर लेते हैं लेकिन एमसीक्यूज उस टॉपिक के हमसे नहीं हो पाते। एक तो ये पॉइंट है ना कि जो संडे टेस्ट वाले टेस्ट होते हैं उस पर आउट ऑफ कोर्स ज़्यादा भी चले जाते हैं। एतमाद हाँ ना ना, वो करें। इतना हार्ड लेवल पर बना देते हैं ना कि बंदे को डीमोटिवेट कर लेते हैं, ये बंदा है डिसहार्ट हो जाता है। तो संडे टेस्ट से ज़्यादा मसले ना बनाएं, अगर आप हाँ नॉर्मल एमसीक्यूज कर पाते हैं प्रीवियस इयर्स के तो यू आर गुड। अच्छा, टूल्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंग्लिश प्रैक्टिस मैंने खुद नहीं की थी तो मैं कुछ ये रिकमेंड नहीं दोनों करूँगा। आंसर्स हो चुके हैं, हाँ पीछे हाँ जाकर देख लें। अच्छा, सर आई एम फाइंडिंग फिजिक्स एमसीक्यूज टू बी अ लिटिल बिट टफ फॉर मी, काइंडली टेल मी हाउ टू प्रिपेयर एंड अदर सब्जेक्ट्स टू, ये भी हो ये चुका भी हो है। चुका है। हाँ अच्छा, विच वे इज़ इफेक्टिव टू कवर द कोर्स स्पेशली इन फिजिक्स, फोर्स एंड मोशन चैप्टर इज़ वेरी मच टफ। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर के बारे में ये पूछ रहे हैं। जो आपने फिजिक्स के लिए नोट्स बनाए होते हैं ना, इसको बार बार रिवाइज करें तो फिर मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बायो का कवर के शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते सारा टाइम लग जाता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, और रिवीजन क्या रोज़ करें। बायो के लिए आई थिंक नोट्स की ज़रूरत ही नहीं, पूरा बुक आपका एक नोट्स ही है। और वो जो हमने पहले हाँ बताया कि आप हाईलाइट करें और इसी तरह से फिर आप जाएं, और रिवीजन डेली ज़रूरी है,
जब इसके मैंने बारे में आप लेक्चर्स ख़त्म सोचिए। किए तो फिर मैं बार बार रिवीजन ही करता था। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह उठ के एक क्विक सा रिवीजन कर लें, जो आपने कल पढ़ा हो आपके जहन में ताज़ा पढ़ा होता है, आप जल्दी 1 घंटे के अंदर ही अंदर पूरे दिन का वो रिवाइज कर सकते हैं ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा, ये भी थोड़े से वो हो गए। चलो, वेन वी आर स्टडिंग डिफरेंट बुक्स लाइक की पीके पंजाब, वी डोंट मेक नोट्स फ्रॉम ऑल दिस बुक। ये क्वेश्चन है कि मैं कभी-कभी देखता हूँ पंजाबी कौन और कौन बुक्स हाँ में दो तीन देखता हूँ तो उसको हाँ कैसे मैनेज करूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्या, कौन से बुक देखें, किस तरह करें, और उसके बारे में बताएं कि अगर ये मैं अपना कंफ्यूज कहूँ है तो कि मैंने कभी के अलावा कोई और बुक नहीं देखा था। जो फेडरल वाले एमसीक्यूज आए थे तो वो एक गुड गेस के साथ मैं वो एमसीक्यूज कर लिए थे, एक मुझसे गलत हो गया था और बाकी मैंने कवर किए थे। तो मतलब इफ़ यू हैव डन योर ओन बुक प्राउडली अच्छी तरीके से तो इट इज़ डन, मतलब सबसे कुछ ज़रूरी है मसला नहीं आपका होगा। अपना जो टेक्स्ट बुक होता है उसको पढ़ना। ठीक है, हाउ टू डू रिविजन एंड सिली मिस्टेक्स, फुल बुक रिविजन, ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाउ टू डू रिविजन, रिविजन बस आपने जो हाईलाइट किया हो उसको हाँ पढ़ लें जो नोट्स बनाए उसको बार बार देखे। बस, इस तरह वैसे। अच्छा, ये कुछ है एसिड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, मैं इंशाल्लाह फिर किसी टाइम वो वीडियो बना दूंगा सही एसिड एसिड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि क्या सीन है। एंड प्रैक्टिस इज बेस्ट और रिविजन, एक हद इट तक डिपेंड ऑन अ पर्सन। हाँ एक हद तक आप प्रैक्टिस कर लेते ना, इसके बाद फिर स्टॉप करें, फिर बार बार रिवीजन करें। मतलब अगर लास्ट डेज है तो आप रिवीजन करें, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, लास्ट एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो करने हमने, फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल एनजी कॉन्टेस्ट संडे को मैं दे रहा हूँ, जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैं 8-9 कर लेता हूँ पूरे, मुझसे नहीं हो पाते, या ये वही कह रहे हैं कि संडे टेस्ट के लिए मेरे चैप्टर पूरे नहीं हो पाते, तो इसको मैं किस तरह मैनेज कर लूँ? अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो मेरे ख्याल में टेस्ट बस देने फिर का नहीं फ़ायदा भी देने नहीं है चाहिए, फिर ना। मार्क्स कम आ जाते हैं, बंदा हाँ डिप्रेस फिर हो जाता डिसहार्ट है। हो जाता है बंदा। हाँ, तो ये फिर बस ये कह रहा है कि मैं टेस्ट दे देता हूँ, फिर कम मार्क्स आ जाते हैं, मैंने चैप्टर्स पूरे नहीं किए होते हैं। और ये हम पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। अच्छा, एक बंदा है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि मैं रिपीटर हूँ और मैंने चैम्पियन सीरीज की हुई है केमिस्ट्री के लिए। चलो, ये तो आप फिर कहेंगे कि मैंने सिर्फ एनजी कौन किया हुआ है, हाँ चैंपियन नहीं किया हुआ है, तो चलो इंशाल्लाह किसी और पर्सन से पूछ के आपको बता देंगे कि एक ये चैंपियन वाला हो गया केमिस्ट्री के लिए, और एक दूसरा पर्सन था, आई थिंक वो जीनियस का पूछा था, जीनियस तो का इंशाल्लाह वो भी आपको बता देंगे। और अगर एट द एंड पर आप कुछ ऐड करना चाहें, आप कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें, तो वो आप दे दें और फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बस आप रिलैक्स स्टडी करें, अपने आप पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, मेंटली अपने आप को टॉर्चर ना करें। मतलब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में गुजरा कि डाउन टाइम टाइम में मैं 8 घंटे स्टडी करता और फिर 14 स्टडी, तो इतना भी वो ज़रूरत नहीं। मैं खुद तकरीबन 10-11 घंटे स्टडी करता था। और इसके अलावा मैं तो फिर से यही रिपीट करूँगा कि रिविज़न इज़ मस्ट, आप बार बार रिविज़न करें। चलो जी, आपके टाइम देने का शुक्रिया, काफ़ी टाइम हमने आपसे लिया। बस मकसद यही थी कि किसी के लिए कोई गाइडेंस मिल जाए, किसी को फ़ायदा मिल जाए, फ़ायदा पहुंचे, तो बस इसी में लगे हैं। तो इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट और ये वीडियोस ये आपको अच्छी लग रही होंगी और आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, और उन पर्सन के साथ शेयर करें जो एम डी कैट के एस्पायरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, जिनको ये जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। और साथ में एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे प्रॉपरली। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।